श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखी जा रही है। गोकुल में श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। वहीं देश भर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गिरीश फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश, पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है, लेकिन बात करें गोकुल की तो मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश ही नहीं विदेश से भी लोग इस उत्सव को देखने के लिए मथुरा वृंदावन में इकट्ठा होते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यहाँ पर बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। आज कैसा माहौल गिरीश वहां पर दिख रहा है, कितनी संख्या में लोग, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? में जिस तरीके से बताया जाए की श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं का मथुरा में तांता लगा हुआ, मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। लगातार पंक्तियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए जा रहे हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं पुरुष रख रखी है और सीएम योगी जो कल से मथुरा आए हुए थे और श्री कृष्ण भगवान के जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद आज वो आगरा के लिए चले गए। वहीं लगातार श्रद्धालुओं में इस समय भगवान श्री कृष्ण की दर्शन के लिए तांता लगा हुआ। गोकुल में बात करें तो गोकुल जो जन्मे जो भगवान जो है वो उनका जन्म जो मथुरा में जन्म कृष्ण जन्मभूमि में हुआ था, वहां से वासुदेव जो थे उनको लेकर गोकुल पहुंचे तो सबसे ज्यादा जो क्रेज देखने को मिलता है वो गोकुल में मिलता है, क्योंकि जन्माष्टमी का जो क्रेज है वो सारा क्रेज जो जन्माष्टमी का उसी दिन गोकुल में मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है, क्योंकि दो दिन की जन्माष्टमी है, इसलिए कल भी वहां मनाया जाएगा। आप वहां पर उपस्थित हैं, आज कैसा माहौल मथुरा वृंदावन का दिख रहा है, क्योंकि आज जन्म उत्सव है लेकिन अगर इसके अलावा दिनों की बात करें तो वहां पर हमेशा श्री कृष्ण भगवान की जो है गलियों गलियों में भी गूंज सुनाई देती है, बड़ी भक्ति भाव से लोग वहां पर आते हैं, तो लेकिन आज जन्म उत्सव का दिन है, भगवान श्री कृष्ण का दिन है, तो ऐसे में मथुरा वृंदावन में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, कितनी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के लिए उनके क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? सुधा जी बताता हूँ, जिस तरीके से गोकुल की गलियों में जो श्रद्धालु लगातार भीड़ के साथ नंद बाबा मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जय श्री कृष्ण के गूंज के साथ भगवान श्री कृष्ण को जयकारों के साथ वो लगातार मंदिर की तरफ दर्शन करने जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन लगातार एक एक करके लोगों को नंद बाबा के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करा रहा है और दर्शन के बाद लोगों को निकाल भी रहा है। देखा जाए तो जिस तरीके से सुबह 4 बजे से यहाँ यात्रियों का आना शुरू हो गया और लगातार गोकुल में सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस ने दुरुस्त कर लिया। जी गिरीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।